तो दोस्तों ये क्वेटा का मशहूर कोबर होटल है। हम यहाँ पे तकरीबन असर की नमाज के बाद पहुँचे। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो लोगों का जुम और रश इतना ज़्यादा नहीं था। मैं और मेरा दोस्त हम आए बाइक पे यहाँ पे। ये होटल गोबर होटल के नाम से मशहूर है। इसके अतराफ में आप देख सकते हैं गोबर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गायें भैंसें बांधी गई है, इलाका मकीनों की हैं। यहाँ पे जो ही वक्त गुजरता गया लोगों का जुम भी बढ़ता गया, लोग आते रहते हैं। और इस होटल के बारे में ये बताता चलूँ कि ये होटल में कुर्सियाँ ज़्यादातर नहीं होती, लोग ज़मीन पर बैठते हैं। और इसकी मनफरद बात यह है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस हुआ करता है, क्योंकि इस होटल में बहुत ज़्यादा रश होती है। अगर आप होटल वाले के इंतज़ार में बैठते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो सेल्फ सर्विस ही बेहतर सर्विस होती है। हमारे दोस्त जमाल साहब हमारे लिए चाय ले आए हैं, उन्होंने होटल से चाय किया सर। और फिर हम यूँ होटल के अंदर आ गए हैं। ये होटल के अंदर के मनाजिर हम आपको दिखाते हैं, आप देख लीजिए खुद के यहाँ पे चाय कैसे बनती हैं, लोग चाय कैसे यहाँ से वसूल करते हैं। और बाद में हम आपको मामा को सुनवाते हैं कि वो दिन में कितना दूध निकालते हैं यहाँ से। होटल की जो तामीर है वो मिट्टी से की गई है और ये एक कमरे पर मुश्तमिल होटल है। ये तो बिल्डिंग में इतना खूबसूरत नहीं है, मगर इसके चाय बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दिन में किलो के हिसाब से नहीं, मनों के हिसाब से दूध निकालता है। और ये चाय जो है आम हालत में या किसी छोटे देगची या किसी भी चायनक में नहीं बनता, बल्कि बड़े बड़े देगों में बनाया जाता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंचा तो यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा हजूम खड़ा था इंतज़ार करने में अपने बारी का कि वो चाय यहाँ से ले जाए। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और इस हजूम में रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पैसा जमा कर। क्या वजह है, आप लोग को देखना चाहिए? नहीं, दिन में कितने किलो दूध आप निकालते हैं? दिन में 6 किलो, 6 मन। आप खुद इस होटल के मालिक भी हैं?
अच्छा, ये आपकी चाय बहुत मशहूर है, इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको ग्राहकों से पूछे जो पी रहा है। अच्छा, तकरीबन रात के 9 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब हमें यहाँ से जाना होगा अपने घरों की तरफ, क्योंकि यहाँ से घर जाते हुए तकरीबन आधा घंटा हमें लग जाता है। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप वीडियो को मुकम्मल पर आखिर तक देखिए।